अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू क्यूटी टिप्स। ये देखिए मेरे पास है आज सौंठ, हम इस पर बात करने जा रहे हैं। इसको ड्राई जिंजर भी बोलते हैं, ठीक है। इस सौंठ का क्या करना है कि मैं पाउडर बना के इसको रख लेती हूँ अपनी किसी भी बॉटल में, कंटेनर में। वैसे तो फ्रेश पाउडर बनाएं तो इसका अरोमा बहुत अच्छा होता है, स्मेल बहुत ज़बरदस्त होती है। इसका क्या फ़ायदा है और किन किन चीज़ों में मैं इसको यूज़ करती हूँ, ये भी मैं इससे पहले मसाला जात पे बात की थी, तो आपके किचन काउंटर में ये भी होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इससे सबसे पहली बात ये कि आपको जब होती है खांसी, ठीक है, तो खांसी के दिनों में आपने क्या करना है, शहद लेंगे एक चमची, इसका पाउडर बनाया होगा उसके ऊपर आपने एक पिंच इसका पाउडर डालना है और रात सोने से पहले खा लेना है। जिसको भी खांसी की शिकायत होगी रात को, इंशाल्लाह ये खाने से बिल्कुल भी पूरी रात खांसी नहीं होगी। दूसरे, इस पाउडर को सूजी का हलवा जब आप बनाते हैं तो ड्यूरिंग सूजी का हलवा बनाते हुए 2 से 3 इसके चम्मच बीच में डालें, क्योंकि इसकी स्मेल और इसका टेस्ट बहुत हार्श होता है, तो आप जब खाएंगे तो आपको बिटर सा टेस्ट और स्पाइसी टेस्ट आएगा, वो चीज़ अच्छी नहीं होती है, मतलब सीना जलना शुरू हो जाता है ना, बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए आप 2 चम्मच यूज़ करें, 3 चम्मच यूज़ करें, अगर आपको स्ट्रॉन्ग पसंद है 3 डाल लें, एक नॉर्मल टेस्ट पसंद है तो आप 2 डालें। लेकिन सर्दियों में ये हलवा बना के खाना इसलिए ज़रूरी है कि ये आपके जॉइंट्स पेन को क्योर करेगा। और दूसरे, वो मदर जो मतलब वो लेडीज़ जो प्रेगनेंसी से अभी अभी उठी, डिलीवरी कर चुकी, उनके लिए जो पंजीरी नहीं खाना चाहती या पंजीरी उनको नहीं पसंद आती, वो सौंठ का हलवा खाएं, ये बहुत बेहतरीन है। जितने आपकी बॉडी में ब्लड लम्प्स होंगे उनको आउट करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से। वो जो स्पेशल 40 डेज होते हैं छिल्ले के स्पेशली, उनमें ये बहुत हेल्पफुल साबित होता है, ठीक है। रोज़ सुबह 1 से 2 चम्मच खाएं इसको गर्म दूध के साथ, ये बहुत कारगर साबित होती है। दूसरे ये कि इसको आप इसका पाउडर जब बना के रखेंगे, मसाले में आपने खाने बनाने में किस चीज़ में इसको इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताऊँगी। चिकन की मैरिनेशन में बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है, निहारी बनाने में बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है, मतलब ये आपके किचन काउंटर से हटनी नहीं चाहिए, ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, ठीक है। इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, मैंने बहुत अरसा यूज़ की है, मेरे किचन में हमेशा ही पड़ी रहती है, ख़त्म नहीं होने देती, ठीक। आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी, पसंद आएगी ये वीडियो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।